छत्तीसगढ़ के अंतिम पावदान पर हम खड़े हैं और हम लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। जय नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा करने के लिए हम इस समय अली नगर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे काफी व्यस्त इलाका है और इस इलाके की अपने आप में अलग मान्यता है। लेकिन अगर चाय पे चर्चा की बात करें तो जिस दुकान पर मैं खड़ा हूँ ये बबलू भैया चाय वाले के नाम से काफी फेमस है और बबलू भैया चाय के नाम से फेमस इसलिए भी है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर हर वक्त भीड़ लगी रहती है, हर वक्त चाय पीने वाले लोग रहते हैं और आसपास का जो इलाका है वो भी काफी पॉश इलाका है। यहाँ पर हमेशा आपको लोग नजर आएंगे और बातें होंगी क्योंकि चुनाव का वक्त है तो चुनाव पे को लेकर के ही होंगी और देखिए चुनाव को लेकर के ही यहाँ पर बातें हो रही होंगी। आपस में सभी लोग बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं, स्थानीय लोग हैं या किसी पार्टी से है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि बातें सिर्फ चुनाव को लेकर हो रही है। हम इन लोगों से ही बातचीत शुरू करते हैं चाय पे चर्चा को लेकर। क्या नाम है आपका और चाय पी रहे हैं और मुझे लग रहा है कि राजनीति की बात यहाँ हो रही है। हाँ, अभी हमारे बीजेपी की बात चल रही थी और इस समय माहौल काफी गर्म है, इसी के बारे में चर्चा चल रही थी और चाय पीते हुए चर्चा करना और अच्छा लगता है। चाय पे चर्चा और राजनीति पर चर्चा, अपने आप में एक तो गरम चाय ऊपर से राजनीति गरम, किस तरह की बातें नजर आ रही हैं, इस बार का चुनाव क्या कुछ कह रहा है? देखिए हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो सबके लिए अच्छा काम करते आ रहे हैं शुरू से और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। तो देखिए उन्होंने बहुत कुछ किया है विकास के लिए और आगे भी करते चले आ रहे हैं, तो हमारे ख्याल से तो पब्लिक को ये तो पता है कि हमारे गोरखपुर से बीजेपी ही जीतने वाली है, कोई और पार्टी नहीं जीतेगी चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले प्रयास कर ले। ऐसा किस विश्वास पे कह सकते हैं? देखिए अब विश्वास इंसान बनाता है, हमारे योगी जी ने गोरखपुर को कहां से कहां पहुंचा दिया है, पूर्वांचल तक लेकर जा रहे हैं और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए क्या लग रहा है कि राजनीति क्या कह रही है, जैसे भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ जो है बीजेपी ही जीता है, ऐसा क्यों? जैसा क्या है कि महाराज जी का भाई गिरी क्षेत्र है और महाराज जी के विरुद्ध में कोई ऐसा कोई है भी नहीं उनके टक्कर में, तो यहाँ से उनका जीतना कंफर्म है। उसमें आपको भी पता है, आप भी विकास देख रहे हैं, विकास इतना है कि उंगली कम पड़ जाएगी आपकी और हमारी, विकास गिना नहीं पाएंगे। विपक्ष पार्टी झूठ में परेशान है, वो कुछ कर नहीं पा रही है, तो कुछ ना कुछ लेकिन लगाने के प्रयास में है पर लेकिन लगा नहीं पा रही है जी। हम आप लोगों के पास फिर दोबारा आएंगे, तब तक इनके पास चलते हैं जहां मैं खड़ा हूं। बबलू भैया चाय वाले, बड़ा फेमस नाम है आपका और बताते हैं लोग कि बहुत भीड़ होती है यहां पर, क्या बातें होती हैं खासकर चुनाव के समय? खाली चुनाव का ही बात होता है, बाकी मुद्दा ही आया है। अच्छा, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। सुबह से शाम तक बड़ा सुनते होंगे, क्या क्या बातें होती हैं? तरह तरह की बातें होती रहती है, कभी साइकिल पे है, कभी बीजेपी पे है, कभी कांग्रेस है, बस यही है। आपको कैसा लगता है चाय के साथ साथ तमाम? मजा आता है सुनने में, चूंकि हमारी भाई बिक्री है तो भाई हमको मजा आता है सुनने में। क्या लगता है आपको, आप इतने लोगों को सुनते होंगे, आपको क्या लगता है? भाई 100% तो नहीं लेकिन 99% बीजेपी का यहाँ चर्चा ही चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी तो एक दुकानदार हैं और सुबह से शाम तक देखते होंगे, क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? परिवर्तन क्या, लोग जैन में यही है कि बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए इस बार। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। चलिए बबलू भैया तो कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर सुबह से शाम तक राजनीति की बात होती है, क्या लग रहा है कि राजनीति को लेकर के बात हो रही है? हाँ इस समय राजनीतिक माहौल है तो राजनीति को लेकर ही बात होगी ना। क्या बात हो रही है? बात यही है कौन अच्छा काम करेगा कौन नहीं करेगा, ये पहला जो सत्ताधारी है उसी को रिपीट किया जा क्योंकि इसमें लोगों को अच्छाई आ रही है नजर, यही सब बातें हो रही है। चलिए इनसे भी हम बातचीत करते हैं, ये बताइए कि राजनीति को लेके बातें हो रही हैं, क्या कह रहा है माहौल, क्या कह रहा है अभी चूंकि सातवें फेज में हम आ चुके हैं, अभी क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं या फिर आप लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं, परिवर्तन कितना हुआ है? एकदम बहुत आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम आप एक छोटे से गाने लग रहा है और सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर पूज्य महाराज जी की वजह से पूरा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही सपोर्ट है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी इस नाते सपोर्ट करना पड़ा, हर लोग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी जी का जिसने कोई नहीं पूछा, जिसको कोई नहीं पूछा उसको योगी और मोदी जी ने पूछा है, इस नाते लोग पूछते हैं यार। आज छोटे से छोटे तबके को आज ऊपर ले जाकर प्रधानमंत्री बनाया जाता है, राष्ट्रपति बनाया जाता है,
छोटे से। मैं बात करूंगा, देखिए बबलू भैया ने मुझे भी चाय दे दिया, यानी मैं भी चाय पीते पीते चर्चा करूंगा और लोगों से बातचीत करता हूँ, तमाम लोग हैं। चाय पे चर्चा को लेकर हम आपके बीच में पहुंचे हैं, क्या बातें हो रही हैं? बबलू भैया की दुकान बड़ा फेमस, लोग बताते हैं यहाँ पे सुबह से शाम तक इसी तरह चर्चाएं होती हैं। प्रचंड गर्मी के बीच प्रचंड राजनीतिक माहौल भी है, चुनाव अंतिम दौर तक पहुंच चुका है, मंथन कयासों का दौर जारी है, हर तरफ कयास लगाए जा रहे हैं, वोटर साइलेंट है, पार्टी कार्यकर्ता अधम से लिए चरम तक पहुंचने की तैयारी में है, कार्यकर्ता जोश खर उसके साथ पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, अब घर घर पर्ची पहुंचाने तक का काम शुरू हो चुका है, वोटर मतदाताओं को घर से निकालने तक की बात हो रही है, गर्मी का माहौल है, माहौल लोग गर्म बनाए हुए हैं, गर्मी का माहौल है, लोग गर्म माहौल बनाए हुए हैं, और हर पार्टी अपने इस कयासों पे ला कि भैया वोटर मतदाता जो है हमारे विचारों से सहमत है, सत्ता में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कयासों के बीच मतदाता समझदार है, अपने अधिकारों को जानता है, अपने अधिकार का प्रयोग सही जगह करेगा ही करेगा। चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं, चाय पीते पीते बाहर भी चाय की दुकान पे तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और निश्चित रूप से ये बात सही है कि चाय पे चर्चा के दौरान ही हमें तमाम बातें पता चलती हैं, क्योंकि चाय एक ऐसा चीज है, लोग पीते पीते अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे की बातों को सुनते हैं। और निश्चित रूप से हम अंतिम फेज पे चल रहे हैं और चाय पे चर्चा करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम भी जानना चाहते हैं कि इस बार की राजनीति क्या कह रही है, वोटर इतने साइलेंट क्यों है, वो क्या चाहते हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है कि अभी माहौल क्या कुछ कह रहा है, किस तरफ रुक जा रहा है, सातवें फेज में हम आ चुके हैं, क्या जनता क्या चाह रही है? वही हम लोग बैठ के बात करते हैं, जगह जगह चाय की दुकानों पान की दुकानों पर सारी जगह चर्चा तो राजनीति की ही हो रही है। वोटर साइलेंट जरूर है, लेकिन काफी हद तक हमको लगता है भाजपा के पक्ष में माहौल जा रहा है। और इस बार क्यों कह रहा है कि भाजपा के पक्ष में माहौल जा रहा है, क्योंकि इंडी गठबंधन जो है वो भी लगातार मैदान में है, वो भी बड़ी जीत तोड़ मेहनत कर रहा है, विकास के नाम पर भाजपा वोट मांग रही है। 2017 के पहले गोरखपुर और 2024 के बाद आज का गोरखपुर, काफी अंतर है, लोगों के अंदर बदलाव है। पहले हम लोग लाइट के लिए संघर्ष करते थे रोड पर, आज 24 घंटे लाइट है, सड़कों का विकास है, नालियों का विकास है, हर तरफ विकास है, क्या चाहिए। लेकिन इंडी गठबंधन तो आरोप लगा रही है लगातार भाजपा पे कि विकास की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो केवल जाति धर्म की बात हो रही है। इंडी गठबंधन कुछ भी कह ले उससे नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता हैं, काम भी करते हैं, जमीन पर धरातल पे रह के सब कुछ देख रहे हैं, कोई कुछ भी कहे, बहुत सारी बातें आती हैं, धर्म जाति राजनीति करेंगे नहीं तो वोट कैसे मिलेगा, वो अलग कम है। यानी इस बार भी विकास मुद्दा रहने वाला है, और भी लोग हैं, क्या लग रहा है कि इस बार की राजनीति क्या कुछ कह रही है, आम जनता किधर जा रही है, क्योंकि आम जनता वोटर जो है वो बड़ा साइलेंट है इस बार। इसे कहने का मतलब है कि जो बीजेपी का जो वोट है, जो उसका बना बनाया वोट है, वो कहीं जाने वाला नहीं है इस गोरखपुर, वो वोट तो बीजेपी को जाएगा ही जाएगा। और ये जो धरती है, ये गोरखपुर की जो धरती है, ये मंदिर की धरती है, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, अवैधनाथ महाराज जी, दिग्विजय नाथ महाराज जी की धरती है, यहाँ से जो मंदिर का आदेश होता है उसी पे कार्य होता है। और पार्टी बीजेपी जो है वो अपने विकास के कार्यों को भी इतना दिखा चुकी है कि यहाँ की जनता उम्मीद है कहीं जाएगी नहीं, ये बीजेपी को ही जाएगी। कहते भी हैं कि यहाँ की राजनीति मठ से होकर गुजरती है, और भी लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन की जो लहर तमाम इंडी गठबंधन बता रही है उसका कुछ असर दिखेगा कि, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि मठ और जो है बीजेपी में ही पूरा रमा रहेगा? देखिए परिवर्तन तो दिख रहा है, क्योंकि माहौल बीजेपी के पक्ष में माहौल कम हुआ है, और कहीं ना कहीं से जो है लड़ाई दमदार लड़ाई है, और मुद्दे जो है इस बार प्रमुख है, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, जैसे इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी की सरकार आई थी, इन्हीं मुद्दों को प्रमुख बताकर 14 में सरकार बनी, 19 में जनता ने एक बार मौका दिया कि चलो भाई 5 साल और हो सकता है कि चीजें और बढ़िया हो जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर चीजें एकदम कहीं कैसे नगड़ रही, तो मुद्दे तो इस बार हैं बेरोजगारी और महंगाई। लेकिन सरकार तो बार बार कह रही है कि हमने बहुत सा रोजगार दिए, लाखों लोगों को रोजगार मिला और विकास भी साफ नजर आ रहा है, तमाम चीजें की गई, सड़कों की कनेक्टिविटी की गई, तो क्या ये विकास नहीं है?
नहीं, ये इसका कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के जो जिन विषयों पर आप आए थे कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और जो आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार, तो इन 2 मुद्दों पर पूर्ण रूप से सरकार फेल है। और आज आप जनसाधारण को की मूलभूत जरूरतें हैं, रोजी रोजगार, कारोबार, व्यापार, इन सब सारी ये सारी स्थितियां कहीं कहीं से एकदम चौपट है। इस वजह से इस बार परिवर्तन की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है आपको, भी परिवर्तन नजर आ रहा है? इनकी बातों से कितना सहमत है आप? असल में कहा ना, मतदाता साइलेंट है, और हम परिवर्तन की बात तो आई है, ये मैं मानूंगा कि लड़ाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि बहुत सारे हम लोग भी देख रहे हैं माहौल में बड़ी शांति बनी हुई है, जैसे नहीं कहते हैं कि तूफान के आने के पहले की खामोशी है, लेकिन है कि खामोशी मतदाता इसको कहाँ तक ले जाएगा। क्योंकि राष्ट्र धर्म का विषय है, तो अगर राष्ट्र सर्वोपरि है तो मतदाता राष्ट्र को भी चयन कर सकता है। आप कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं यहाँ के प्रत्याशी से, तो क्या लग रहा है आप लोग क्या सोचते हैं? लेकिन नाराजगी तो घर में ही संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, परिवार में लोग, तो मान लिये तो आम जनता है। और भाई साहब ने कहा कि रवि किशन जी नजर नहीं आते हैं, कोरोना काल में रवि किशन जी खुद अपनी गाड़ी से लेकर वहाँ सामग्री, जो अगर कोई फोन करता था, अगर आम जनता कोई फोन करता था, वो सामग्री वहाँ पर पहुँचाते थे। और रही बात जो हाई कोर्ट का आदेश देने का, टेस्ट का रुकने वाला जो आदेश, वो हाई कोर्ट का आदेश है, ना कि सरकार का है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है भैया कि इस बार का माहौल जो है वो कहाँ कहर जाता है, या क्या लग रहा है कि मतदाता जो साइलेंट है वो कहाँ जाएगा? मतदाता साइलेंट है बहुत, और दोनों तरफ जोर है पटका हुआ, तो खुल के बोलिएगा। पार्टी और कमल में टक्कर है, लेकिन जीती के आम आदमी तो चला। क्या कह रहे भैया? हाँ भैया बताइए, क्या कह रहे हैं? हाँ, इस साल 400 पार है इस साल। हाँ, हमारे योगी मोदी जो एकदम जिंदाबाद है, उन्होंने जो कर दिया, एक मर्द ऐसा है हिंदुस्तान में कि उसने अपनी मर्दानगी दिखा दी कि हाँ, जितने उसने जितना काम किया मेरे गोरखपुर को बदल दिया एकदम। और समझ लीजिए कि फतलाइया को चालू कर दिया, नौका बिहार को चालू कर दिया, बस एक कमी थोड़ी सी रह गई है कि जितनी भी योजनाएं हैं जो प्राइवेट होती जा रही है उसको सरकारी कर दें, नौजवानों को नौकरी लग जाए और रोजगार बढ़े, क्योंकि रोजगार एकदम से समझिए कि ना ही के बराबर पे है। हम लोग घर से बैठ करके खा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री से और योगी प्रधानमंत्री से यही कहनाम है कि व्यापार को थोड़ा सा बढ़वाए और थोड़ा गरीबों के लिए भी सोचे। गरीब को ना हटाए, गरीबी को हटाए। तो स्वास्थ्य सेवाएं कुमला के बहुत अच्छी नहीं है, जैसे आप मेडिकल कॉलेज अगर आप जाएंगे, जैसे माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निजी आग्रह है और प्रार्थना भी है कि जैसे मेडिकल कॉलेज वहां, समझिए कि मेडिकल कॉलेज अपनी फुल कैपेसिटी में अभी भी नहीं हुआ। फुल कैपेसिटी में ना होने के कारण से कहीं कहीं से तीमारदारों को खासा दिक्कतें होती है, जैसे तमाम न्यूरो नहीं है वहाँ, गैस्ट्रो नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है वहाँ, यूरो नहीं है। कुमला के इक्विपमेंट और जो उपकरण हैं, दवाओं की स्थितियाँ हैं, वो बड़ी नगण्य है। सिर्फ यह है कि रात में आप जाइए तो वहाँ लाइटिंग वाइटिंग की बड़ी शानदार व्यवस्था दिखेगी। यही हाल आपके जिला अस्पताल का भी है, वहाँ एक निजी अनुभव मैं साझा कर रहा हूँ कि वहाँ निजी अस्पताल में तो डेंटल डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ उसको सिर्फ आप दांत की कोई तकलीफ लेके अगर जा रहे हैं या कोई गरीब व्यक्ति वहाँ जा रहा है तो पैरासिटामॉल, एसिलॉक और डाइक्लोफेनिक, बाकी वो बेचारे डॉक्टर्स वहाँ बैठे हैं वो जांच तक भी नहीं करते क्या समस्या है, क्या परेशानी है, या इसके आगे की क्या जांच या क्या इलाज है। मतलब बस वहाँ उखाड़ दो और डाइक्लोफेनिक पैरासिटामॉल। और इसके लिए तो फिर आपके यहाँ लोकल प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे आप शिकायत कर सकते हैं। बेसिक जो मुद्दे हैं वो कितना बदला है गोरखपुर, अगर हम जानना चाहें? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुल मिला के रोजी रोजगार की जो स्थिति है, बदलाव तो अगर देखा जाए तो हर सरकारों में कुछ ना कुछ होती रहती है, लेकिन आके जो मेन विषय है कि रोजी रोजगार, कारोबार, व्यापार, नौकरियां, सरकारी नौकरियों में जो रिक्त पदे हैं उनकी भर्ती हो जाए, और जो है प्राइवेट में भी अच्छे रोजगार के अवसर डेवलप हों
और कहीं ना कहीं से जिला स्तर पे भी कम से कम रोजगार की स्थितियों को बेहतर किया जाए, उद्योग तमाम कमियां है, लेकिन अगर देखा जाए तो रोजगार को लेकर के भी तमाम सरकार ने काम किया है, क्या लग रहा है वो ग्राउंड जीरो तक पहुंचा है? नहीं, मैं सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी एक व्यक्ति कह के गए हैं कि मैंने ऑपरेशन कराया, 4 लाख लगा, 5 लाख लगा मेरा, इसी आर्यनगर में मैंने कई लोगों को इसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निधि से, जब लोगों को मालूम रहेगा कि किस तरह क्या मिलता है, कैसे मिलता है, तभी वो पा पाएंगे। मैंने इसी आर्यनगर में कई लोगों को मैंने यही मुख्यमंत्री निधि से मैंने इलाज के लिए पैसे दिलाए, जो है पीजीआई में इलाज हो रहा है, और एक मिनट, और उसके बाद ये सदर हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि मैं खुद इलाज वहाँ पे कराया हूँ और हर जगह इलाज कराया हूँ, और ये भी मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि वहाँ पे भी इलाज बहुत पूर्ण तरीके से हो रहा है, अच्छे हो रहे हैं। कहना चाह रहे हैं? जो मेरा अनुभव रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार में, जैसे समाजवादी गवर्नमेंट में, जो असाध्य बीमारियां थी उनके इलाज की व्यवस्था निःशुल्क हुआ करती, जैसे KGMC हो गया या राम मनोहर लोहिया में हो गया या आपके मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भी हो गया। और इस बार मेरा निजी अनुभव है कि हमारे मित्र की मिसेज को अभी इनिशियल स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसमें कीमो वगैरह लगना हुआ, तो सहज हमारी उससे बात हो गई, तो उसने बताया कि मित्र हमारा जो है, मैं KGMC में इलाज कराया और कीमो में 50 से 60 हज़ार रुपये लग गए। और जबकि मेरा अनुभव है कि पूर्ववर्ती सरकारों में असाध्य से असाध्य बीमारियों के इलाज में पैसा नहीं लगते थे। स्वास्थ्य महकमा थोड़ा सा कमजोर भी है, क्या लग रहा है कि अभी गोरखपुर की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें, तो कितना बदला गोरखपुर, कितना बदला आसपास का क्षेत्र? देखिए, हम एक चीज बताना चाहेंगे, कांग्रेस ने इतना साल राज किया है, उसने क्या बदल दिया है? बीजेपी तो हमारी 2014 से राज करी, कितना बदलाव चाहिए आपको? सारे बदमाश इस समय साफ हो चुके हैं, कुछ बाकी नहीं है। एक समय ऐसा था कि आपकी बेटी रात में 8 बजे भी सड़क पे नहीं आ सकती थी, एक समय ऐसा है वो कभी भी निकल सकती है घर के बाहर। और कौन सा बदलाव हुआ है? कानून व्यवस्था में ज्यादा बदलाव हुआ, और लोगों से बात करते हैं, क्या लग रहा है भैया, कितना बदला है गोरखपुर, आप लोग तब से देख रहे हैं क्या कोई स्थिति है? बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, योगी जी के शासन में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। व्यापारी निर्भय होकर व्यापार कर रहे हैं और चोर माफिया सब जेल में है। अभी क्या लग रहा है, अभी कैसा सरकार आप चुनना चाहेंगे, किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? जो जनप्रतिनिधि है एकदम बढ़िया, उससे बढ़िया कोई जनप्रतिनिधि, हमारे मोदी जी भी एकदम फर्स्ट क्लास है, योगी जी भी एकदम वैसे ही है। और लोगों से बातचीत करते हैं, ये बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है कि अभी किस तरह की सरकार व्यक्ति चाहता है, क्योंकि वोटर बड़ा साइलेंट है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है वो क्या किस तरफ जाएगा? गोरखपुर के सर वोटर साइलेंट है, लेकिन उनका जो का मोदी सरकार के प्रति है, ठीक है, कानून व्यवस्था इस समय सही है, और रही स्वास्थ्य सुधार, वो भी आपका ठीक ठाक ही है, बदलाव तो हुआ ही है, बदलाव हुआ है, तमाम लोग कह रहे हैं बदलाव हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं हुआ, स्वास्थ्य महकमे में बहुत सारी कमियां हैं, क्या लग रहा है आम व्यक्ति किस तरह से देखता है, आप उसे किस तरह से देखते हैं, और अगर आपकी बात करें तो किस तरह की सरकार को आप डिजर्व करते हैं? जी मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि देश में विकास 2014 के बाद काफी तेजी से दिखाई दिया, और जैसे इंफ्रा, लोग कहते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो देश का विकास माना जाता है, लेकिन इंफ्रा में हम लोग भी ये समझते हैं कि इंफ्रा में अगर स्वास्थ्य और शिक्षा को न जोड़ा जाए, शिक्षा किसी विकास की आधारशिला है और स्वास्थ्य किसी भी देश का स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है, तो इन पर सरकारों को आगे भी बहुत फोकस करने की जरूरत है और इस पर खूब काम करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ आपको सर्वाइव करना है, क्योंकि शिक्षा का प्राइवेटेशन होने के बाद से स्वास्थ्य का सर्वाधिक प्राइवेटेशन होने के बाद से ये दोनों चीजें बड़ी महंगी हुई हैं, जो मुझे लगता है कि आम जनमानस से थोड़ी सी दूर हो रही है ये, क्योंकि आम जनमानस अब किसी के आश्रित होकर के इलाज कराएगा तो दिक्कत है, और गवर्नमेंट सेवाएं इसीलिए बनाई जाती है कि इतनी अच्छी व्यवस्था हो कि हर आम आदमी को शिक्षा स्वास्थ्य उपलब्ध हो, उनका भी बेटा पढ़ करके क्लास वन अफसर बने, और यहाँ साय तो बदली है ना पहले से, नहीं बदली है, इसमें काम करने की जरूरत है, मैंने कहा था बहुत चीजें बदली हैं, काफी अत्याधुनिक वार्ड बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन जिले में हो रहे हैं, एम्स का भी निर्माण हो चुका है, यानी पूरे प्रदेश की मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं बदलाव हुए, लेकिन अभी इस पे और काम। स्वास्थ्य की अगर बात छोड़ दूं, मैं अगर स्वास्थ्य की बात छोड़ दूं, तो आपके नजर से इन 6 सालों में या पिछले 10 सालों में कितना बदलाव गोरखपुर, या कितना बदलाव उत्तर प्रदेश में, क्या हम बदलने की उम्मीद कर सकते हैं? क्यों, कोई काम नहीं हुआ इस तरह 10 सालों में, कोई काम नहीं हुआ?
10 सालों में तो हमें कहीं ऐसा कोई काम नहीं दिखाई दिया। आप बताइए कि गोरखपुर में मेट्रो चलाने की आप बात कर रहे थे, मेट्रो हुआ, आप बनारस को केवटा बनाने की बात कर रहे थे, बनारस केवटो हुआ, सो स्मार्ट सिटी का आपने वादा किया था, उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी बने। लेकिन व्यापारी तो काफी खुश होंगे, चूंकि उनको सबसे बड़ी बात है कि किसी भी व्यापार करने के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है और तमाम कनेक्टिविटियों के लिए तमाम एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए गए। आप कैमरा अगर पूछेंगे तो व्यापारी अपना दर्द बयां करेंगे। इसीलिए तो हम आम व्यक्ति के पास पहुंचे, व्यापारी के पास पहुंचे, बात बताएं भाई। आप हम कह रहे हैं कि 3% हीरे पे जीएसटी है, 18% जो है कॉपी किताब इत्यादि पे जीएसटी है, तो जीएसटी के बारे में विशेष रूप से व्यापारी आपको बताएगा। यानी तमाम लोगों की तमाम बातें हैं, और अब आप समझिए कि हम चाय की चर्चा पर यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर लोगों से लगातार बातचीत कर रहे थे। एक आखिरी बात सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि इन 10 सालों में आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा काम हुआ है या कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ है जो आपको लग रहा है कि आने वाली सरकार कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात, भाजपा ने जो आयुष्मान कार्ड बनाया उसमें अधिकतर मुस्लिमों को ही आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला, क्योंकि 5 व्यक्ति से जब ऊपर परिवार मेंबर रहेंगे तभी उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जितने आरोप लगता रहा है कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी है, मैं खुद हिंदू महासभा का नेता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं असलियत, यह काम उनका गलत है। यदि वह हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है तो उनको हिंदुओं को तरजीह देना चाहिए। आज इसके वहाँ 6 लोग मेंबर हैं, उन्हीं का आयुष्मान कार्ड मिला है और अधिकतर जगह लाभ लेने मुस्लिम आगे हैं, लेकिन वोट भाजपा को नहीं देंगे। लेकिन वो तो कहती है सबका साथ सबका विकास, यही वजह है कि सब उनको भी मिल रहा है वो लाभ। ये गलत है, टोटल आवाज जाके चेक कीजिएगा, आयुष्मान कार्ड जाके चेक कीजिएगा, चाहे जितनी भी सरकारी लाभ है अधिकतर मुस्लिमों को मिला है, हिंदुओं को नहीं मिला है। मैं हिंदू महासभा नेता इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ असलियत, ये हकीकत है। बिल्कुल, तमाम लोगों की तमाम बातें हैं, कोई खुश है तो कोई नाराज है, लेकिन सरकार लगातार अपने आवाम के लिए तमाम योजनाएं चलाती हैं और उन योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन चूंकि चुनाव चल रहा है और ऐसे में चुनाव के कारण जब हम आम लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो अपनी बातें रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प भी हो रहा है और निश्चित रूप से सस्पेंस भी है, चूंकि वोटर बड़ा साइलेंट है, वो क्या करने वाला है, क्या करेगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात जरूर है कि जो वोटर है वो विकास की बात चाहता है, विकास की बात करता है और कहता है कि जो विकास करेगा वही दिलों पर राज करेगा। फिलहाल इस बार के चुनाव को लेकर के क्या कुछ वोटर सातवें फेज में खासकर गोरखपुर और वाराणसी, गाजीपुर या फिर जो है चंदौली या फिर देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, तमाम ऐसे जो जिले हैं वहां पर जब 1 जून को वोट पड़ेगा और वोटर बूथ पर पहुंच करके ईवीएम में अपने प्रत्याशी की किस्मत को दर्ज करेगा तो 4 जून की उसकी किस्मत बाहर निकल के आएगी और ये सारी चीजें साफ हो जाएगी। फिलहाल इंडिया न्यूज के चाय पे चर्चा के कार्यक्रम में आज बस इतना ही, कल किसी और जगह पे हम चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं